नाउ स्टार्टिंग विदेरिकल नुमेरिकल में सबसे पहले ए सिंपली सपोर्टेड बीम विद स्पेन थ्री मीटर यानी एल इज टू थ्री मीटर टू सेंटर टू ए सेंटर सेंटर लोड यानी कि सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसके सेंटर पे लोडिंग कितनी है टेन किलोनी डब्ल्यूक्ल टू टेन किलोनीटर फाइन द मैक्म स्लोप फाइन द मैक्म स्लोप डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम मैक्म स्लोप ऑन डिफ्लेक्शन इसमें देखेंगे यहाँ पे इसको दिया गया है स्लोप का फॉर्मूला आई ए दिस आई ए इज एक्चुअली थीटा यानी डिफ्लेक्शन अब देखेंगे केस आपको पता चल गया सिंपली सपोर्टेड विद पॉइंट लोड सिंपली सपोर्टेड विद पॉइंट लोड का फॉर्मूला देखेंगे ठीक है, है तो ठीटा मतलब आई ए आई ए इजीटा डब्ब स्क्वायर पॉइंट सिक्सटीन ई आई इसमें डेटा में गिवन है स्लो डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम टेक आई इज्क्ल टू टू ट्वेंटी पावर सिक्स एम एम के पावर फोर एंड ई इसवल टू टू हंड्रेड जी पी ए गीगा पास्कल ठीक है तो टू हंड्रेड गीगा पास्कल को आपको मेगा पासकल यानी न्यूटन पर एम एम स्क्वायर बनाना है तो इसको क्या करना होता है टी पावर थ्री से मल्टीप्लाई ठीक है तो गीगा कन्वर्ट हो गया न्यूटन पर एम स्क्वायर में और आई ऑलरेडी एम में था ठीक है डब्ल्यू किलो न्यूटन है किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा टेन पावर थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये बस रोड सेंटर्ड है तो सेंटर वाला फार्मूला लगेगा सीधा सिंपली फार्मूला आई ए और वाई सी वाई सी यानी कि डेल मैंने बताया था वाई सी होता है तो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन ही आई डब्ल्यू एल क्यू अपॉन फोर्टी एट ई आई सारी वैल्यूज उठा करके इन दोनों फॉर्मूले में रख दिया गया ई आई सिक्सटीन पहले से है डब्ल्यू और एल स्क्वायर एल की वैल्यू और इन स्क्वायर फिर से फॉर्मूला देख लीजिए ये डब्ल्यू स्क्वा डब्ल्यू अपॉन फोर्टी एट यानी कि आपको फार्मूला पता होना चाहिए वरना सोल्यूशन नहीं हो पाएगा ठीक है नेक्स्ट इज ए वुडन बीम 150 फिफ्टी एम एम एंड टू फोर्टी एम एम

दैट कैन बी प्लेस एट ए सेंटर टू कॉज ए बीम बीम ए डिफ्लेक्शन डिफ्लैक्शन कितना टेन एम एम का डिफ्लेक्शन आए ठीक है यानी कि डेल्टा यानी कि वाई सी की, की, की वैल्यू दिया हुआ है टेन एम एम टेन एम एम तो आपको इसमें वाई सी नहीं निकालना है इसमें उल्टा क्या निकालना है डब्लू यहाँ पे इस डब्लू के वैल्यू के लिए पहले तो आई कैलकुलेट कर लिया बी डी क्यूब बाई ट्वेल्व बी डी क्यूब बाई ट्वेल्व वैल्यू आ गई

एड्स इज इन बीम क्या है सिंपली सपोर्टेड है इट इज डिस्टेंस एल बाई थ्री टोटल क्या लेंथ है? एल है और एक एंड से ये डिस्टेंस कितनी है एल बाई थ्री ठीक है एक बीम एक बीम सिंपली सपोर्टेड सिंपली सपोर्टेड के एक तरफ किसी एक साइड में वैल्यू रखी हुई है सॉरी डब्लू की वैल्यू वेट रखा हुआ है कितना एल टोटल टोटल ये एल है और ये कितना है एल बाई थ्री ठीक है तो ये हो गया एल बाई थ्री ओके तो एक एंड से एल बाई थ्री है तो दूसरे एंड से कितना होगा एल माइनस एल बाई थ्री अदर एंड पे यानी कि टू एल बाई थ्री आ गया तो ये डिस्टेंस निकल के आ गई यानी कि ये वैल्यू किसकी निकल के आ गई यहाँ से ए और बी की वैल्यू एक एल बाई थ्री एक टू एल बाई थ्री ये सिंपली सपोर्टेड है दोनों एंड पे दोनों एंड पे सिंपली सपोर्टेड है ये सिंपली सपोर्टेड वाला केस मिल गया ठीक है तो अब क्या करना है कैलकुलेट करना है फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ द बीम अंडर द लोड फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ द बीम अंडर द लोड अंडर द लोड वाली कंडीशन का क्या था फार्मूला डब्ल्यू ए बी अपॉन सिक्स ई आई ए स्क्वा एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एल एल मतलब सिर्फ एल हो जाएगा ए हो जाएगा एक एल बाई थ्री एक टू एल बाई थ्री वैल्यू रख देनी है इसमें बाकी चीज़ें नहीं गिवन है तो उसी फॉर्मेट में इसकी वैल्यू आ गई ना डब्ल्यू गिवन है ना एल गिवन है एल एल के फॉर्म में होगा ना ई e गिवन है ना आई गिवन है तो W L I सब उसी जगह पे छोड़ दिया अगर न्यूमेरिकल में वैल्यू दी होगी तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे और इसको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे नहीं दी है W L E I सब कुछ वैसे के वैसा छोड़ दिए बाकी वैल्यू उठा करके निकाल दिए ठीक है नेक्स्ट इज ए स्टील जो है सिंपली सपोर्टेड ओवर ए स्पैन ऑफ सिक्स मीटर सिंपली सपोर्टेड सिक्स मीटर का स्पैन है कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ फिफ्टी किलो न्यूटन पॉइंट लोड फिफ्टी किलो न्यूटन वन पॉइंट टू मीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट 1.2 मीटर यानी कि एक लेफ्ट एक राइट right सपोर्ट एक लेफ्ट सपोर्ट इससे 1.2 मीटर हो गया ठीक है 6 मीटर स्पैन है तो दूसरे एंड से कितना हो जाएगा 6 पॉइंट सिक्स माइनस वन हो जाएगा मगर ज़रूरत होगी तो निकालेंगे नहीं जरूरत तो कोई जरूरत कोई बात नहीं है फाइन द पोजिशन एंड मैग्नीट्यूड पोजिशन एंड मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जो बताया था मैंने एक्स एल स्क्वायर ए स्क्वायर बाई थ्री ए ए ऑलरेडी गिवन है एंड से लेफ्ट सपोर्ट से यानी कितना वन पॉइंट टू मीटर गिवन है मीटर को एमएम mm में कन्वर्ट कर लिया है यहाँ पर वैल्यू रख दिया एल की वैल्यू सिक्स इंटू ट्वेंटी पॉवर थ्री एम ए की वैल्यू ट्वेल्व इंटू ट्वेंटी पॉवर थ्री का स्क्वायर एम mm में वैल्यू रख दिया तो ये लोकेशन आ गई अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए वाई मैक्स का फॉर्मूला रख दिए वाई मैक्स मैंने बताया था वाई वाई या मैक्सिम के लिए वाई मैक्स वाई मैक्स फॉर्मूला ये था डब्ल्यू ए अपॉन नाइन अंडर रूट थ्री ई आई एल एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू ये फार्मूला है इस फार्मूले में हम सारी वैल्यूज़ रखेंगे W की वैल्यू 50 किलो न्यूटन की वन है ठीक है L की वैल्यू A की वैल्यू 1.2 पॉइंट टू की वन है एम mm एम में कन्वर्ट कर दिया नाइन अंडर रूट थ्री वैल्यू है E की वैल्यू फोर्टी इंटू थे पॉइंट गिवन है यहाँ पे सीधा ई आई की वैल्यू गिवन है फोर्टीन इंटू टेन पॉट ट्वेल्व यानी कि सीधा ये ई आई गिवन है ई e और आई अलग अलग नहीं है दोनों का मल्टीप्लाई करके वैल्यू सीधा गिवन है ई आई की वैल्यू रख दिया और एल की वैल्यू एम एम के फॉर्म में रख दिया इसको उठा के सॉल्व किया सॉरी उसके बाद हाँ एल स्क्वायर एल स्क्वायर ए स्क्वायर तो एल स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू रख दिया और इसको सॉल्व कर दिया तो आंसर आ गया होप कि आपके पास कैलकुलेटर होगा और उससे सोल्यूशन आप कर लेंगे ईजिली ठीक है अब नेक्स्ट इज सिंपली सपोर्टेड बीम सिंपली सपोर्टेड बीम सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी ऑफ स्पेन ऑफ स्पेन फाइव मीटर कैरिये पॉइंट लोड थर्टी किलोन्यूटन एट ए डिस्टेंस थ्री पॉइंट सेवन फ्रॉम लेफ्ट इंड लेफ्ट से थ्री पॉइंट फाइव है ये लेफ्ट इंड यानी कि सिंपली सपोर्टेड बीम लेफ्ट एंड से 3.5 है 3.75 है तो राइट right एंड से कितना होगा राइट right एंड से होगा वैल्यू ये इतना फ्रॉम डिस्टेंस पॉइंट लोड एट राइट एंड से ये वैल्यू इतना आएगी माइनस करके निकाल लेंगे क्योंकि टोटल स्पैन पाँच का है टोटल स्पैन पाँच का है टोटल स्पैन ये हो गया एक 3.75 हो गया दूसरा थ्री पॉइंट सेवन फाइव माइनस सिक्स फाइव माइनस थ्री पॉइंट सेवन फाइव ये वैल्यू निकाल लेंगे एक इधर टोटल में से इसको माइनस कर दिया तो ये निकल के आ जाएगा ठीक है ई आई की वैल्यू ई आई की वैल्यू गिवन है ट्वेंटी सिक्स इंड ट्वेंटी फोर ट्वेल्व न्यूटन पर एम इसका सारी वैल्यू एम एम में गिवन है कैलकुलेट द स्लोप एट ए एंड बी यानी कि थीटा ए थीटा यानी आई ए और थीटा बी यानी कि आई बी ये दोनों निकालना है और एंड डिफ्लेक्शन अंडर द लोड डिफ्लेक्शन अंडर द लोड यानी अंडर द लोड वाला फॉर्म लगेगा मैक्स वाला नहीं लगेगा तो मैंने बताया था जब ए से निकालना हो तो बी वाली वैल्यू रखी जाएगी जब बी से निकालना हो तो ए वाली वैल्यू रखी जाएगी एक को ए मान लिया एक को बी मान लिया ठीक है तो ए किसको माना गया है लेफ्ट वाले को ए मान लिया गया है ए वाले को ठीक है लेफ्ट वाले को ए मान लिया गया है तो यानी इस साइड में अगर ए है ये ए है तो इसकी वैल्यू है थ्री पॉइंट सेवन फाइव अगर ये वाला साइड बी है तो इसकी वैल्यू है वन पॉइंट टू फाइव तो यहाँ पे अगर ए निकालना है ये सपोर्ट ए है ये वाला सपोर्ट ए है तो ए वाले सपोर्ट पर अगर वैल्यू निकालनी है ए वाले सपोर्ट पर अगर वैल्यू निकालनी है तो ये वाले सपोर्ट के लिए क्या करेंगे ए वाले सपोर्ट के लिए बी की वैल्यू रखेंगे इस फार्मूले में ए से वैल्यू निकालनी है तो ए के सपोर्ट में बी वाला वैल्यू रखेंगे वैल्यू सारी डब्ल्यू पी ए पल्कूट चुके हैं ई आई ई आई की वैल्यू डायरेक्टली रखना होगा ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स इंटू ट्वेंटी पॉट ट्वेल्व एल की वैल्यू फाइव इंटू टेन पॉट थ्री ठीक है एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है अब बात करते हैं स्लोप एट बी स्लोप एट बी के लिए क्या करेंगे जब बी निकालना है तो ए रखेंगे सेम टू सेम बी ए वाले की तरह वैल्यू यहाँ सारी वैल्यूज हर चीज हर क्वेश्चन की वैल्यू रख दें आप एक बार इसको लगाने की कोशिश करना बहुत टफ नहीं है इसे फॉर्मुल वैल्यूज रखनी है कोई दिक्कत हो फिर से आप पूछ सकते हैं मैं फिर से वीडियो बना दूंगा इसके लिए ठीक है A की वैल्यू थ्री पॉइंट सेवन फाइव जो गिवन थी हमने इससे माइनस करके बी की वैल्यू निकाला था बी की वैल्यू ऊपर सॉल्व हो चुका है ठीक है इसको रख के सारी वैल्यूज बस इसमें रखना है एल की ए की सबकी वैल्यूज रख दिया और सॉल्व कर दिया ये आंसर आ गया अब नेक्स्ट केस क्या है डिफ्लेक्शन अंडर लोड डिफ्लेक्शन अंडर लोड का फॉर्मुला ये है इसमें वैल्यू रखेंगे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा सारी चीज़ आपको गिवन ई आई की वैल्यू गिवन है एल की वैल्यू गिवन है डब्ल्यू बी सब हर चीज़ की वैल्यू गिवन है इसको सॉल्व करके आप ईजिली निकाल सकते हैं